टेरी के डीएम मंगेश घड़ियाल इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल इन्होंने पैदल 20 किलोमीटर उबड़ खाबड़ रास्तों से चलकर गंगी गांव का दौरा किया, साथ ही इस गांव को कई सौगात भी दी है। दरअसल गंगी गांव के लिए पहुंचने के लिए PMGSY के द्वारा नई सड़क का निर्माण किया गया था, जो कि जगह जगह पर भारी स्लाइड होने के चलते सड़क बंद पड़ी हुई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने गंगी गांव पहुंचने के लिए मन में ठान कर CO को लेकर गंगी गांव के लिए पैदल सुबह 6 बजे निकल पड़े और देर शाम तक फिर गांव से पैदल ही लौटकर वापस घर पहुंच गए, जिसके बाद जिलाधिकारी ने गांव तक पहुंचने वाले सड़क पर पड़े मलबे को हटाने के निर्देश दिए। इस गांव में बीते माह पानी के गदेरे की चपेट में गौशालाएं आ गई थी। डीएम ने यहां गांव के लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द समाधान करने का भरोसा भी दिया। जो वहाँ को सड़क जोड़ती है PMGSY की, वो पिछले 2-3 महीने से क्षतिग्रस्त है, और क्योंकि नई रोड कटिंग हुई है इसलिए काफ़ी स्थानों पर स्लाइड हैं, कई स्थानों पर सड़क वॉश आउट हुई है। तो आज से मुझे लगता है PMGSY को निर्देशित कर दिया गया था कि काम शुरू करें और स्लिप हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया होगा। इसके अतिरिक्त अगस्त माह में वहाँ पर क्लाउड बस्ट भी हुआ था, जिसकी वजह से कुछ मकान रहे थे, कुछ गौशालाएँ डैमेज हुई थी, वो भी हम लोगों ने निरीक्षण किया, और जो जो लोग जिनको मुआवजा दिया जाना था उनको सबको मुआवजा मिल चुका है। इसके अतिरिक्त तो वहाँ पर पुल जो है वो कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका हम लोग आपदा में उनको बनाने की कार्यवाही कर रहे हैं।